सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पीडीएम एक निशान से इलेक्शन में जाएगी या अलहदा अलहदा इलेक्शन लड़ेंगी पार्टियों? नहीं देखिए, मेरा ये ख्याल है अभी तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि तमाम जमातें अपने अपने इंतखाबी निशान के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेंगी और शायद एक दूसरे के आमने सामने भी इलेक्शंस लड़ें। कहीं कहीं पर हो सकता है कि कोई एडजस्टमेंट्स हो जाएं, लेकिन जो हुकूमत में इस वक्त इत्तेहाद है वो इंतखाबी अलायंस नहीं है। अच्छा सर, ये 13 इत्तेहादी जमातें जो हैं, बड़ी जमातें हैं, बड़ी काबिल जमातें हैं, बड़ा डेमोक्रेटिक के लिए वो कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, कभी ये भी आप लोगों ने डिस्कस किया है कि क्यों कर रहा है, क्या वजह? देखें, मैं खैर फेडरल गवर्नमेंट का तो हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन ये बात तो बिल्कुल 100% यकीनी है कि जो वफाकी हुकूमत में बैठी जमातें हैं वो मुमकिन ही नहीं है कि इस बात पर गौर न करें। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा गौर और फिक्र इसी पर होता होगा कि मुल्क की मईशत को कैसे ठीक किया जा सकता है, और जो इकदाम उठाए भी जा रहे हैं जिससे यकीनी तौर पर कुछ लोगों को मुश्किलात भी पेश आ रही हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम इसीलिए उठाए जा रहे हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया जाए और मईशत को जो है वो कोई सहारा दिया जाए। लास्टली सर, लास्टली मैंने आज आपकी गुफ्तगू में पहली दफ़ा बेशरम, घटिया, लिफंगे वगैरह वगैरह जो इमरान खान यूज़ करता है, आप तो बड़ी पॉलिटिकल फिगर हैं, सॉफ्ट इमेज है आपका, सईद गनी तो एक रखते हैं, मेरा ख्याल है आप वो अल्फाज अडॉप्ट कर गए हैं जो आपको, मेरा ख्याल है आपसे अच्छे नहीं लगते। मैं कसकर साहब ठीक कह रहे हैं, मैं खुशी से कहना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब बेशरम को बेशरम ना कहूँ तो मैं क्या कहूँ, मैडम मुझे बता दें, फितने को फितना ना कहूँ, झूठे को झूठा ना कहूँ, बदकिरदार को बदकिरदार ना कहूँ तो क्या कहूँ सर? तो मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान की खसरतें हैं इन अल्फाज को दोहराए बगैर उसको पूरा नहीं कर सकते। सर बहुत शुक्रिया।